दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। बिलासपुर सोलन सीमा पर स्थित त्रिवेणी घाट अलीखट से पानी उठाने के मामले को लेकर संघर्ष समिति ने एक बार फिर प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अलीखट पानी बचाओ संघर्ष समिति ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि अलीखट का पानी उठाने का प्रयास किया गया तो आंदोलन को और अधिक उग्र कर दिया जाएगा, जिसका जिम्मेवार सीधा तौर पर प्रशासन और सरकार होगी। अलीखट बचाओ, अलीखट पानी बचाओ संघर्ष समिति त्रिवेणी घाट में, जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से अंबुजा कंपनी के इशारे पर पानी उठाने की एक भारी भरकम योजना त्रिवेणी घाट से उठाई जा रही थी, जिसका लोगों ने विरोध किया, जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी जो मामला पहुंचा, जिस मामले में लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए, जिस मामले में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए, साधु संतों के खिलाफ मुकदमे बनाए गए, इस मामले में ये सारी घटनाएं होने के बाद बहुत से सभी राजनीतिक, बिलासपुर के सभी राजनीतिक दलों ने, इस के सभी नेताओं ने इस मसले में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मसले में बिलासपुर के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, बिलासपुर के लोगों के हितों और लोगों का जो पानी है उसको जो है बिल्कुल बचाने की कोशिश करेंगे और सतलुज से पानी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी दो दिन पहले वहां पर जल शक्ति विभाग के अर्की के कोई अधिकारी और कोई शिमला से आए हुए अधिकारी वहां पहुंचे, जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे, हमारे जनप्रतिनिधि वहां पहुंचे, तो उनको देखकर वो लोग वहां से भाग गए। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर IPH जल शक्ति विभाग अर्की और शिमला की तरफ से कोई अधिकारी वहां पे कोई किसी प्रकार की इंस्पेक्शन करने आते हैं या आपके द्वारा भेजे गए हैं, तो उसमें बिलासपुर के अधिकारियों को, जल शक्ति विभाग के उच्च अधिकारियों को, बिलासपुर के SDM महोदय को क्यों शामिल नहीं किया गया, क्यों हम लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया है? हमने वहां पे आंदोलन चला है, हम लोगों पर मुकदमे बने हैं, हमारे बहुत से लोगों पर मुकदमे बने हैं, और किसी भी प्रकार से अगर ऐसा षड्यंत्र वहां पे किया जाएगा और कोई भी ऐसी रिपोर्ट, एक तरफा रिपोर्ट वहां बनाई जाएगी, तो उसका हम विरोध करेंगे। और निगरानी तंबू वहां पे अभी भी लगा हुआ है, आप ये मत समझें कि लोग अपने घर चले गए हैं, लोग वहीं हैं, और पूरा का पूरा जिला बिलासपुर जो इसमें सूखे की मार झेल रहा है, इसमें अलीखट में पानी नहीं है, कौन जिम्मेवार है? वही अंबुजा कंपनी जिम्मेवार है जो सीमेंट बनाकर माइनिंग कर रही है, जो अवैध खनन कर रही है पीछे, जिसने सारा पानी सुखा दिया है। लेकिन अब वो हमारे पानी पर भी अधिकार जमाने के लिए वहां आए, ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकदमे पहले भी बने हैं, मुकदमे आगे भी बनेंगे, और लोग आंदोलन के लिए हम फिर से तैयार हैं अगर एक तरफा कोई कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार से उम्मीद है, हमारी ये अपील करते हैं हम मुख्यमंत्री महोदय से कि उन्होंने जो कहा था कि लोगों के मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और वहां से पानी नहीं उठाने जो है वो नहीं उठाया जाएगा, उस अपने आश्वासन पर सरकार कार्य करे, लोगों को भरोसे में ले, और इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई करने के लिए कोई भी अधिकारी वहां मौके पर ना आए। अगर किसी प्रकार का हादसा वहां पे होता है और किस प्रकार की ऐसी कोई बात होती है, तो उसके लिए वो अधिकारी जिम्मेवार है जो बिना हमारे जनप्रतिनिधियों को, पंचायत प्रधानों को जानकारी दिए बिना वहां पे पहुंच रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मामला जो है शांति से इसको सरकार निपटाने का प्रयास करे, क्योंकि हम अर्की क्षेत्र के लोगों के विरोध में नहीं है, उनके लिए पानी सतलुज से लाया जाना चाहिए। हम भी मांग करते हैं कि उनके लिए पानी सतलुज से लाया जाए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।